बॉबी देओल को लॉन्च करने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र ने सनी देओल के कंधे पर डाली थी। सनी ने भी छोटे भाई की डेब्यू फिल्म के लिए जी जान एक कर दिया था, लेकिन एक चूक हो गई थी जिससे बॉबी के पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया था। सनी देओल ने बॉबी की फिल्म बरसात को बेहतरीन बनने के लिए एक साल तक अपनी ये फिल्म छोड़ दी थी। सनी देओल चाहते थे कि बॉबी का इंट्रोडक्शन फिल्म में सबसे बेस्ट हो और इसके लिए वो कुछ साहसी काम करना चाहते थे। जी हाँ, बॉबी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके ग्रैंड इंट्रो के लिए सनी देओल पहले उन्हें एक टाइगर के साथ इटली ले जाकर शूट करना चाहते थे। वहीं इस सीन के बाद बॉबी को घोड़े पर एंट्री करनी थी, लेकिन सनी देओल की ये सोच बॉबी के लिए भारी पड़ गई। बॉबी ने बताया कि अचानक से घोड़ा शूट के दौरान भिदक गया और तेज़ रफ्तार में भागने लगा, जिससे बॉबी घोड़े से गिर गए और उनके पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया। जी हाँ, बॉबी का कहना था कि खुशी की बात ये थी कि फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी और उनका इंट्रो लास्ट सीन था। बता दें कि घोड़े से गिरने के बाद बॉबी के पैरों में रड डालनी पड़ी थी और आज भी वह रड उनके पैरों में है। दोनों भाई अपनी पहली ही फिल्म से ऐसे हादसे से गुजर चुके हैं कि जिसका दर्द उन्हें आज भी पता चलता है। सनी देओल भी अपनी पहली फिल्म बेताब में घोड़े से गिर पड़े थे और उनकी पीठ में ऑपरेशन करना पड़ा था। धर्मेंद्र के दोनों बेटों को हमेशा से खुद से स्टंट करने के लिए मना करते रहे थे, लेकिन पिता से छुपकर दोनों कई स्टंट कर चुके हैं। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।